Hello friends, this is Pooja Jaiswani. Welcome back to my channel. As you are seeing on the screen, I am back with some amazing facts, psychological facts. So have a look on it. If a person sleeps a lot, he or she is sad. अगर किसी व्यक्ति को बहुत सोने की आदत है, इसका मतलब वो बहुत upset है. Next, if someone can't cry, he or she is weak. अगर कोई नहीं रोता है, इसका मतलब वो इंसान बहुत ही weak है अंदर से. Next, people who cry often are much stronger than who don't. जो लोग बहुत oftenly रो देते हैं, वो ज़्यादा strong होते हैं as compared to जो लोग नहीं रोते हैं. Next, the happiness you are, the less sleep requires to function in everyday life. Sadness increase the urge to sleep. इसका meaning तो आप समझ ही गए होंगे. Yes, खुशी में इंसान उसकी body को function करने के लिए ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जबकि इंसान अगर अपसेट होता है, ज्यादा सोने की तरफ अट्रैक्ट होता है, ज्यादा सोने के लिए झुकता है. इसका आप अपोजिट देखेंगे कि अगर इंसान अपसेट है तो वो अपनी टेंशन्स और अपनी फ्रस्ट्रेशन से दूर भाग के सोने की ज्यादा कोशिश करता है. उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ज्यादा नींद की नेसेसिटी होती है. नेक्स्ट, इफ समवन क्राइज ऑन लिटिल थिंग्स, ही और शी इज इनोसेंट एंड सॉफ्ट हार्टेड. अगर कोई छोटी छोटी बातों पर रो देता है, इसका मतलब ही इज सॉफ्ट हार्टेड एंड इज वेरी इनोसेंट. उसका दिल बहुत ही मासूम है. नेक्स्ट, नो वन इज एवर बिजी इन हिज और हर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता है, ये सब उनकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है. इफ समवन बिकम एंग्री ओवर सिली और स्मॉल थिंग्स, इट मीन्स ही और शी नीड्स लव. अगर कोई छोटी छोटी बातों पर, सिली सिली थिंग्स पर गुस्सा हो जाता है, आपसे नाराज हो जाता है, इसका मतलब उसे प्यार की जरूरत है. When women are talking to you their problems, they are likely not looking for an answer and just want to listen. जब कोई विमेन आपसे बात करती है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे आंसर की उम्मीद कर रही है, इसका मतलब सिर्फ वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनो. नेक्स्ट, If someone eats in an abnormal manner, he or she is tense. जब कोई बहुत tense होता है तो वो abnormal तरीके से खाता है. लोगों को समझने की कोशिश करिए. People who swear a lot tend to be more honest, loyal and upfront with their friends. जो बात बात पर ऐसा बोलता है, I swear मैंने ऐसा किया, I swear मैंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब कि वो अपने आप को honest और loyal शो करने की कोशिश कर रहा है अपने friends के सामने. Next, tears don't come when you miss a person, but it comes when you don't want to miss a person. आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को miss कर रहे हो, आंसू तो तब आते हैं जब आप किसी को miss नहीं करना चाहते हो. Next, men and women tend to blink more often during a conversation with someone they are interested in. Very interesting fact. Men and women, अगर दोनों अभी conversation चल रही है, their eyes will blink more. Next, anger is our natural defense against pain. So when I say I hate you, it really means you hurt me. Anger का बहुत ही natural रिश्ता होता है pain के साथ. अगर इंसान अंदर से hurt होता है और वो आपको कहता है कि I hate you, इसका मतलब आपने उसे hurt किया है. Next, writing down your goal, reading them daily can literally help to reach your goal. Yes friends, it will help out. I have also done in my life. आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे आप लिखिए डेली, उसको रीड कीजिए लाउडली एटलीस्ट ट्राइज इन द मॉर्निंग. डेफिनेटली इट विल हेल्प आउट. नेक्स्ट, वेन यू ब्लश, योर आईज विल ब्लश द मोस्ट. जब आप ब्लश करते हो, सबसे ज्यादा आपकी आईज ब्लश करती है. नेक्स्ट, इफ यू फॉल इन लव विद अ पर्सन, द पर्सन कैन नॉट बी योर फ्रेंड अगेन. अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आपका फ्रेंड नहीं बन सकता है. नेक्स्ट, स्माइल इंक्रीजेस पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस बाय ओवर 70%. यस फ्रेंड, अगर आपको अंदर से कोई फियर है, कोई डर है कोई भी एग्जामिनेशन को अटेंड करने का, कीप स्माइल ऑन योर फेस, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट, व्हेन पीपल आर ड्रंक, ऑल दे से इज ओनली ट्रुथ. इंसान सबसे ज्यादा सच तब बोलता है जब वो नशे में होता है. नेक्स्ट, मैन टेल मोर लाइज कंपेयर टू वुमेन अकॉर्डिंग टू द स्टडी. इट्स कंप्लीटली ट्रू, मैन ज्यादा झूठ बोलते हैं एज कंपेयर टू वुमेन. नेक्स्ट, डोंट टेल योर सीक्रेट्स, पीपल विल टेक एडवांटेजेस ऑफ द थिंग्स यू से.
अपना सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, उससे लोग आपकी कमियों का और आपके सीक्रेट्स का फायदा उठा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी वीकनेसेस भी किसी के सामने शो नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ जरूर बताइएगा।